दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग, मिट्टी के रंग दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। पानीपुरे बेलपुरे गरम पेड़े, पानीपुरे बेलपुरे गरम पेड़े। क्या किया? अरे अरे कहाँ जा रही हो? ओहो, क्या रहे हो अन्ना? काम मिलेगा? काम हो? तूने पहले कभी काम किया क्या? अरे तुम करा के तो देखो, मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं कैसा काम करता हूँ। अच्छा, पगार कितना लेगा? जो तू बोलेगा। हाँ, मैं तेरे को 20 रुपए देगा। और भुट्टा खाने को मिलेगा? भुट्टा नहीं, भुट्टा नहीं, खाली पगार मिलेगा। चलेगा। और तेरा जमानत कौन लेगा रे? जमानत? हाँ, मेरा टेरा लेके तू भाग जाएगा तो तेरे किधर ढूंढेगा? अरे अन्ना, जो मेरे पास जमानत होता तो तू आज मेरा नौकर होता और मैं तेरा सेठ। क्या रो भागी से? अरे हट। अरे कालिया, मेरे काले बोलते रहे। मेहरबानों कदरदानों पानदानों, हाँ तो मेरे अंदाताओं, अब मैं बताता हूँ लबेड़ा खाने का रस। मेरी जबान लबेड़ा खाकर पानदान क्यों बोल गई? क्योंकि इसने बहुत दिनों से पान नहीं खाया, इसलिए इसे पानदान याद आ गया। बस बता रहे, परमात्मा, परमात्मा सिर्फ एक है और उसी परमात्मा ने इस आदमी को बनाया, और इस आदमी ने तीर से, तलवार से, गोलियों से उसे अलग कर दिया। एक का नाम रखा भगवान, दूसरे का नाम रखा खुदा, तीसरे का वाहेगुरु, और चौथे टुकड़े का नाम रखा गॉड। ये आदमी खुदगर्ज है, खूनी है, मक्कार है, जानवर है। देखा देखा, आप लोगों ने ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सका? बताऊं तुझे? देखिए भाई साहब, मुझे नहीं मालूम कि आप अमर हैं, अकबर हैं, एंथनी हैं या सतनाम हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आप एक आदमी हैं। हाँ तो नौजवानों कदरदानों, इससे पहले कि आप बोर होकर चले जाएं और इस मदारी के पाव बड़े के बांधे हो जाएं, है कोई ऐसा नौजवान
जो इस मैदान में उतरे और ताल ठोके और ये लाठी लेकर बैठ जाए, है कोई ऐसा इंसान? हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जिस पहलवान की मुझे तलाश थी वो मिल गया। ये वो सूरमा है जिसने बड़े बड़े सूरमाओं के घमंड तोड़ दिए। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। जाने, जिनके घर शीशे के होते हैं, ये उनके घरों में पत्थर फेंकता है। ये ले, लाठी लेके भागेगा तो नहीं? नहीं। बैठ जा। हाँ तो नौजवानों, अब ये खोपड़ी हवा में उड़ेगी और इसके सर के ऊपर बॉक्सिंग करती हुई, इसके सर को छेदती हुई इसके पेट में घुस जाएगी। क्यों, डर लग रहा है? नहीं, तू मजाक कर रहा है। तू मेरा देवर है जो मैं तेरे साथ मजाक करूंगा? डंडा संभाल के बैठ, जो मैं बोलूंगा बोलेगा? हाँ बोलूंगा। तो बोल मदारी, मेरी इच्छाएं पूरी करो। बोल मदारी, मेरी इच्छाएं पूरी करो। मुझे लड्डू पेड़े और गुलाब जामुन खिलाओ। मुझे लड्डू पेड़े और गुलाब जामुन खिलाओ। मैं अनाथ हूँ। मैं अनाथ हूँ। तू मेरा बाप है। तू मेरा बेटा है। ए, शानपति मत कर, सीधे सीधे बोल के तुम मेरे बाप हो। तू मेरा बाप नहीं है। अरे मैं ही तेरा बाप हूँ। तू मेरा बाप है? हाँ। अरे तू मेरा बाप है, बोल, 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 अरे छोड़ मेरा बाप है, बोल। हट, हट, हट। मवाली है। मवाली कहीं का? सारा खेल बिगाड़ दिया। अरे अब बस करो, बैठ जा बेटा, थक गया होगा, बैठ जा। अरे तू चुप कर, थक नहीं रहा, वो तो मजबूत हो रहा है। चल आगे, 20-11। क्या बापू, 20-11 नहीं 31 बोलो ना। बेटा मुझे जितनी गिनती आती है उतनी ही तो बोलूंगा। अब तू बड़ा होकर पढ़ लिख जाए तो मुझे और अपनी अम्मा को भी सिखा देना। चल आगे चल। अरे भैया, पड़ोसी होने के नाते हम भी तो इसका चाचा लगता है, हम भी तो पढ़ेगा भैया इससे। भाभी कह रहा हूँ चिंता मत करो चाचा, मैं सबको पढ़ाऊंगा, पहले मैं तो पढ़ लूँ, अभी चौथी में आया हूँ। भगवान करे सबको ऐसा लगा दे मालिक। अच्छा भैया चलता हूँ, जय राम। चल भगवान रोटी वोटी तो दे। अच्छा भाभी कह रहा हूँ। अरे तू छोड़ो से, अभी तो बात बाकी है। कितना पसीना बह रहा है देख ले रहे, तुम तो इसे एक दिन में पहलवान बनाना चाहते हो। ये क्या है माँ? तुझे किसी की नजर ना लगे इसलिए तावीज लाई हूँ, ले बांध दो, इसे खोलकर फेंक मत देना। अच्छा माँ, ये नजर क्या होती है? बहुत बुरी चीज होती है बेटा, अब तुझे मैं कैसे समझाऊं। अरे अब जाके सो जा, कल सुबह जल्दी चलकर बिल्डिंग के लेंटर खोलने हैं। जा तू भी सो जा बेटे, जा तू भी जा। चाचा बापू और माँ नहीं आए? बेटे बेटा तेरे माँ और बापू आ जाएंगे। बेटे बापू तो कह रहे थे 10-11 बजे तक में काम खत्म हो जाएगा। अब बेटे काम में तो थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है, तू घबरा मत, आ जाएंगे वो। हाँ बेटा जा, तेरी माँ रोटी बनाकर रख गई होगी, जा जाकर खा ले बेटा। शांति
चलो चलो सामने। क्यों नहीं कि आज बिल्डिंग का लेंटर बैठ गया और मजदूरों के साथ उसके माँ बाप भी दबकर मर गए। पागल है तू, अभी वो बच्चा है, अपने माँ बाप की मौत की खबर सुनकर न जाने क्या कर बैठे। तो कब तक नहीं बताओगे? अब बताने की जरूरत क्या है, धीरे धीरे वो खुद समझ जाएगा। अब कौन पालेगा उसे? अब वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ा ही है। मैं उसे अपने साथ काम पर ले जाया करूंगा। मुझे एक आदमी की मजदूरी ज्यादा मिल जाया करेगी और उसे पैसे से क्या लेना देना। तू रोटी खाएगा, कोने में पड़ा रहेगा, वो मान जाएगा? अरे नहीं मानेगा, पगली तो उसे भूख मरवा देगी। चल चलते हैं। की नजर न लगे इसलिए तावीज लाई हूँ। माँ ये नजर क्या होती है? बहुत बुरी चीज होती है बेटा। मिट्टी, अपना देश, अपनी स्वतंत्रता हमने अंग्रेजों से लड़कर वापस ली, क्योंकि इस पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था और उतना ही अधिकार हमें उस रोटी पर भी है जिसे हम अपने खून पसीने से कमाते हैं। हमारी मेहनत से कमाई गई रोटी हमारा ही पेट नहीं भर पाती, वो तो सोने की गिन्नी बनकर इन पूंजीपतियों की पूंजी को और बढ़ाती है। हम अपने बाल बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते, उनका भविष्य तो खुद ब खुद बन जाता है, क्योंकि वो बनते हैं मजदूर। और आज का जो सड़ा गला वर्तमान हमारा है, कल वही होगा उनका भविष्य। साथियों, मैं कोई नेता नहीं हूं, ये तो आपके आग्रह पे यहां पे
से पैरा कर खड़ा हो गया हूँ। मुझे कोई भाषण वाषण देना नहीं आता क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाइयों, मैं नेता नहीं हूँ, वो तो आपके कहने पर स्टेज पर खड़ा हो गया हूँ। मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं तो आपका साथीदार हूँ। आप सब मिलकर मेरे हाथ इतने मजबूत करो कि मैं पूंजीपतियों के घर से उनकी तिजोरियां उखाड़ कर अपने घर ला सकूं। और अबे चल बड़ा नेता बनने। बाबा भाई मुझे मत मारो, मैं नेता नहीं हूँ, मैं जनता हूँ, जनता हूँ। अंधे को दे दे माई, ओ बाबा अंधे को दे दे माई, चार दिन से भूखा हूँ, ओ बाबा बहुत परेशान हूँ, ओ माई। अंधे को दे दे बाबा, ओ माई बहुत परेशान हूँ, चार दिन से खाना नहीं खाया, ओ बाबा अंधे को दे दे, ओ बाबा बहुत परेशान। पाजी कहीं का मवाली थोड़ी करता है, चुप, तेरे को बताता हूँ अभी। बॉल खेले चलो। ए छोकरा हमारा दिकड़ा को स्टेशन पे ले चलेगा, एक रुपया देगा तेरे को। खाली नहीं है। हाँ खाली नहीं, तू यार भाव क्यों खाता है, एक नहीं दो रुपया देगा। सुनाई नहीं देता, खाली नहीं है। हाँ ये लड़के का दिमाग है किसका, बोलता खाली नहीं है। अरे मेरे को तो एक नंबर का लुच्चा दिखता है, एक नंबर का। अरे तुमसे नहीं उतना दिख रहा तो हम लेके चलता है ना। अरे नहीं रे नहीं, क्या बात करती सीन, पब्लिक के सामने कचरा करेगी क्या। अरे मैंने भी बहुत वर्जिश किया है स्कूल के जमाने में। चल 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 चल। अरे कितना भारी कैसे हो गया। बाबू मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर जाऊंगा बाजी लेने। अरे बाजार क्या यहाँ है जो तुम मेरी पीठ पर बैठकर जाएगा, बताए कितनी दूर है। नहीं तू पैदल ही चल। नहीं 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 मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर जाऊंगा। अरे तू तो बहुत जिद करता है। अच्छा चल बैठ जा। अरे तू इतना बड़ा हो गया, मैं तो सोचा था तू बहुत भारी हो गया होगा, तो तू तो बहुत हल्का है। नहीं नहीं कल से मैं तुझसे दंड बैठक लगवाया करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। अरे गई गई गई, अरे ठहर भाई, अरे ठहर ठहर, आगे मत जा, अरे आगे मत जा, अरे पकड़ लिया। हाँ आपकी गेंद बड़ी तेज, आंखें हैं तेरी कैसे चमगादड़ की तरह लपका था, है ना। काम करोगे, चलो हमारा सामान उठाकर रखो। चलेगा चलेगा। गुड, पहले दरी तह करके रखो। हाँ ठहरो, पहले चम्मच और प्लेटें धो लो। हाँ गुड गुड बॉय, आओ बेटा। हाँ चलो खेलो। ये कम ऑन डैडी, डैडी मुझे भी दो, डैडी पहले मुझे दो।
हम रात तक यही रहेंगे क्या? प्लेटें गिन ली, पूरी छह थी। और चम्मच? ये तो पांच ही है। चम्मच तो पांच ही थी। पांच कहाँ थी? पूरी छह थी। एक कहाँ रखाया? मुझे नहीं पता। अरे रख कहाँ आया होगा? इसके पास होगी। निकाल कहाँ रखा है चम्मच? नहीं, मैंने चम्मच नहीं ली। मुझे नहीं पता चम्मच कहाँ है। अच्छा? तुझे नहीं पता, तेरे बाप को पता है? निकाल कहाँ है? निकाल चम्मच, जेब में क्या रखा है? दे दो चम्मच, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मुझे नहीं पता है आपकी चम्मच कहाँ है। मेरी जेब में मेरी अपनी चीजें हैं। तेरी अपनी चीजें हैं? हाँ। अभी देखता हूँ। हाँ दादा, तेरी अपनी चीजें कौन सी हैं? अरे जेब में न जाने क्या क्या भर रखा है। नहीं निकली? नहीं निकली, न जाने कहाँ छोड़ा है सुर का बच्चा। उधर धोने गया था, उधर ही रखाया होगा। जरा सी उम्र में सब कुछ सीख जाते हैं साले। मेरे ताबीज दो। अबे हट जा, ताबीज का बच्चा। पीछे। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पहले मेरा ताबीज दो। मैं तेरा सर डालूंगा। मैं कहता छोड़। अरे मवाली गिरी करता है मेरे साथ। गाली मत दो। मवाली कहीं का? देख देख छोटा सा है, कैसे बात करता है मेरे साथ। मुझे मार डालना है तो मार डालो, लेकिन मेरा ताबीज दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरा ताबीज दो। अच्छा मेरा ताबीज दो। अच्छा साला चम्मच कहाँ रखा है? इतना छोटा सा तो है मगर पक्का चोर। हमारे देखते देखते चम्मच चुरा लिया। दुनिया में ऐसे नालायक भी होते हैं। गाली देता है साला मौली कहीं का। क्या हुआ, क्यों मारते हैं आप इसको? अरे कमाल है साहब, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी मैंने इसकी जेब की तलाशी ली है तो इसकी जेब से ये ताबीज निकला है। ना जाने किसका चुराया होगा। जाने दीजिए, आप तो शरीफ आदमी है, क्यों इन लोगों के पीछे पड़ते हैं? इनका तो काम धंधा यही है। आपके साथ फैमिली है, आप जाइए। ठीक है, आप कहते हैं हम जाते हैं, नहीं तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर देता। भाई साहब तो पढ़े लिखे आदमी है। तुझे किसी की नजर न लगे इसलिए ताबीज लाई हूं। ले बंद, इसे खोलकर फेंक मत देना। अच्छा